हाय, ये छोटे बच्चों के लिए खाना लेके जा रहे हैं, कैट्स के लिए। आइए आपको दिखाते हैं। रजनी चंद्रा मेरा नाम है और मैं बेसिकली हूँ हरियाणा से, रेवाड़ी। बॉम्बे आए हुए आई थिंक 20-22 साल हुए होंगे और मेरा काम, मतलब मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ, काफ़ी सीरियल्स की हैं, फिल्में भी की हैं, अब थोड़ा कम किया है अभी बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत हो गया है तो वो मैनेज नहीं हो पाता। अभी ज़्यादा टाइम मेरा एक्चुअली ये बच्चों में चला जाता है, उनका देख रेख है या थोड़ा सा उन पे टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। पहले नहीं था, मतलब पहले मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे पता भी नहीं था कि कैट्स भी खाना खाती हैं, या ऐसे बचपन से जैसे देखते आ रहे होते हैं ना कि बिल्ली है, ठीक है जा रही है, बिल्ली रास्ता काट गई, बुरा मान जाते हैं, थोड़ा पीछे चल लेते हैं, ये सारी स्टूपिडिटी हमने अभी देखी हुई है और शायद कहीं ना कहीं ऐसा किया भी होगा। जब आप समझ आती है आपको, जब आप जागते हो, माथा आपका जागता है तभी समझ आती है। फिर पता नहीं कैसे दिमाग में आया तो मैंने एक कैट बाय की, शाशा पर्शियन, वो ये है, देखो मेरा बच्चा आएगा शाशा। शाशा को लिया, मेरे ख्याल 2-4 महीने तक तो तब भी इतना कुछ समझ नहीं था, हाँ ओके चाचा है, कैट है। देन ना स्लोली आई रियलाइज के फिर बाहर कैट आपको दिखने लगती है बिकॉज आपके पास है। तो मेरे नीचे एक कैट थी, उसको फिर मैंने थोड़ा खाना दिया तो मुझे लगा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार कैट खाना खाती है, मतलब इतनी, अभी ये बात किसी को समझा नहीं सकती मैं कि कैट भी खाना, मतलब कि मेरे अपने मन की फीलिंग कि कैट भी खाना खाती है। ये बहुत नखरे करके खाती है, इसको इधर उधर कई बार जाती है, ये खा ले मिल्की, देखो ये करेगी और भागेगी फिर बाद में आएगी। इनके ना दांत का बहुत इशू है, ये ड्राई खाना खा नहीं पाते हैं तो ये भिगो के इसमें थोड़ा वो म्याऊ मिक्स करके वो फिर खिलाते हैं तो वो खा लेते हैं। ये खाना खाने ऐसे नाटक है, अभी कई बार क्या होता है अगर आपका बैग ख़त्म हो गया वो ड्राई वो खाएगी नहीं तो वो बड़ा फिर थोड़ा रखना पड़ता है तभी, अब ऐसे खा रही है जाके। कितनी बार मैं उसके पीछे गई हूँ वहाँ पे, खाना ही खिला रही थी यहाँ पे, फिर वो सुल्तान मिला मुझे, इतना छोटा सा, छोटा सा ना, वो एक वहाँ पे झाड़ू लगाता है बंदा, पता नहीं कहाँ से आया और लाके उसने मुझे दे दिया कि अरे मैडम ये वहाँ पे था, तो आप, मैंने कहा अरे मैं इसको कहाँ देखूँ, और सीरियस मतलब उस पोजीशन से, मतलब तब फाइनेंशियली मतलब मुझे आता ही नहीं था कि मैं कैसे रखूँगी, कैसे संभालूंगी या क्या करूँगी। शाशा ज़रूर थी कि थोड़ा पूछताछ करके बैठ है ओके, बट उसको लाए ले आए, हमने ढूंढा भी कि उसकी माँ कहीं मिल जाए, हम इतनी समझ भी नहीं थी कहाँ माँ मिलती है यार, लोग छोड़ जाते हैं एक्चुअली, ये तो अब हम जानने लगे हैं ना, उस वक्त तो मुझे समझ ही नहीं थी। फिर मैंने कहा चला इसको रख लेते हैं शाशा के साथ, एक हो जाएगा। अब ये नई कैट है कोई, इधर पता नहीं कहाँ से आई है, मैं अभी देखा है मैंने, तो ये थोड़ा शुरू में डरती होगी, अब अगर खाना देने लगे तो भाग जाएगी जैसे, तो थोड़ा सा अलग करके दे दो, फिर अपने आप 2-4-5 दिन अपने आप यूज्ड हो जाते हैं। करते रहने का है नहीं है? करते रहोगे दोनों के दोनों, यही करते रहेगा, जाऊंगी नहीं, टॉम अच्छा 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 ऐसी करते रहेगा, चलो ऐसे लाड़ करते हैं लोग। फिर अब मेरे पास ये दो आए बच्चे, शिवम और राधा, एक्चुअली ये बिल्कुल आने वाले नहीं थे और मैं लाने वाले भी नहीं थी, पर मैं यहाँ खाना खिलाती हूँ इस बारिश के टाइम में, अब 8-9 महीने हो गए समझो, अगस्त के, जुलाई में, दोनों इतने छोटे बच्चे ऑटो के अंदर एक के ऊपर एक ऐसे थे,
मैं वहाँ पे शायद पानी बदल रही थी रख के, और मैं जाने लगी थी, मुझे लगा किसी ने कपड़ा रख दिया है, तो मैं उसको ऐसे यार तो बच्चे देखो तो बहुत छोटे बच्चे, अब सीरियसली मतलब हालत खराब, कि क्या करे, मतलब छोड़े क्या, बहुत छोटे थे वो तो। फिर मैंने सुकान को बुला लिया लेकिन बच्चों का, तो हमने ये डिसाइड किया कि चल इन दोनों बच्चों को ले चलते हैं, थोड़ा दो तीन महीना इनको बड़ा कर देते हैं और फिर नीचे छोड़ देंगे। ये वो राधा मेरा बच्चा, ये वो राधा है, एक राधा है एक शिवा, तो इनको और ये पता कितने छोटे थे, फिर इनको अपने सीरियल से पिलाया, वो इतने छोटे थे मेरे ख्याल से 10 दिन 12 दिन सीरियल से दूध और थोड़ा सेरेलॉक वगैरह जो भी मिला के वो इनको हमने सीरियल से पिलाया। अब ये कैसे कैसे बाहर सर्वाइव कर सकते हैं आप बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। 3 महीने के बाद फिर मैंने इनको नीचे, मैंने कहा चल नीचे मैं छोड़ देती हूँ, हमें जाना था वहाँ पे, बस वो थोड़ा सा हो गया कि बुझाई नहीं नीचे, और वो छोड़े ही नहीं, पकड़ लिया उसने बुरी तरह से। मैं 2-2 घंटा बैठी रही कि यहाँ किसी तरह मैनेज हो जाए, पर नहीं उतरे, वो करने लगे, तो मैं मतलब सीरियसली मैं बहुत परेशान हो गई थी कि कैसे करें। नहीं आए, फिर मैं ऊपर ले आएंगे यार, तो नहीं मैनेज हो रहे हैं, सुकान बोला चल छोड़ जाने दे, रहने दे यहाँ पे, तो ऐसे करके वो दो भी फिर यहाँ रह गए। जब तक जाएंगे नहीं तब तक ये ऐसे रहते हैं। ये एक्चुअली कैट सारी यहाँ की नहीं है, कुछ इधर से आ जाती हैं, कुछ वहाँ से, अब जैसे बहुत टाइम हो गया पता लग जाता है किसी को कि खाना में है इधर, तो आ जाती हैं इधर उधर से। जैसे मंदिर वंदिर पे बांधा लोग नहीं पीछे पीछे चल देते हैं, जैसे ये बिजली लोग भी अपने खाने के लिए देखो कितना प्रबंध करने चल देते हैं। घर में 5 कैट्स हैं, जो घर में जैसे कैट से मतलब अब वो फैमिली है, तो फैमिली का जैसे हम रहते हैं वैसे वो रहते हैं, बस ये है। बाहर बच्चों को खाना खिलाना वो एक अलग चीज़ है, बिकॉज ये वो उनका फील्ड है, उनका घर है, तो वहाँ उनको खाना दे देते हैं, थोड़ा इलाज, थोड़ा सा किसी को भारी बीमारी है, कुछ बुखार है, कुछ तकलीफ है, कुछ लगता है, वो जितना अफोर्ड कर पाते हैं मतलब उतना थोड़ा इलाज करा देते हैं। इसका और इसका दोनों का दांत का ऑपरेशन करवाया हुआ है, इसका तो सबसे पहले कराया था। हाँ आपको खाना मैं इतनी कह रहा हूँ, देखती हूँ सब इतना पानी पीती है आपके सामने आते को, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार पानी भी उतना ही ज़रूरी है, खाना तो ठीक है दे रहे हैं तो पानी पीती है कैसे, अभी भी लोगों के दिमाग में क्या है पानी ध्यान ही नहीं देता कोई, ये ना अम्मा है, अम्मा हम इसके नाम रखते हैं, मेल है, इसके दांत का भयंकर इशू, मतलब मेरे ख्याल से 1-2 महीना हमने देखा होगा इसको, कुछ नहीं खा ली दिया, और वो ना करके जैसे भागते ना तो हमें पता लगा यार इसके दांत का इशू, मेरे ख्याल काफ़ी टाइम तो हमने अवॉइड भी किया, कैसे करें करके चले गए, लेकिन नहीं रहा गया, फिर डॉक्टर को दिखाया इसके पूरे दांत मतलब सड़ गए थे या जो भी था, लेकिन सारे दांत निकल गए, आगे के 2 या 3 हैं, और ये एक अकेली कैट ऐसी है जो आपके ऊपर चढ़ के यहाँ पे गंदगी में बैठी, सुकान के तो बहुत बैठती है एक्चुअली, इसको तो वो ये इसको यहाँ बिठा लेगा, यहाँ आ जाएगी पीछे और फिर ऐसे ही करते 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 इसको खिलाता रहता है। सेटिस्फेक्शन ये मिलता है कि हम खुद खाना खिलाते हैं, खिला के तब आते हैं, कि ऐसा नहीं कि रखा है और छोड़ा है चलो जी खा लेंगे, तो हमें ये पता है हम जो फूड खिला रहे हैं वो उन्होंने खा लिया है, उनका पेट भर गया है, वो एक ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रहता है, तो हमें लगता है हम जो थोड़ा बहुत खर्चा कर पा रहे हैं वो एक अच्छा है। ऐसे मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो खाना भी ले आते हैं लेकिन ऐसे ही थोड़ा डाला और यूँ ज़मीन पर डाल दिया, अब ज़मीन पे गंदा भी पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, कागज़ तो फ्री में मिलते हैं हम लोगों को, पेपर ये जो सबके घर में पेपर होते हैं वो पेपर पे थोड़ा सा रख दो, कहीं भी रख दो, जब अगर आप कागज़ एक प्लास्टिक में या डिब्बे में अगर आप खाना रख रहे हो तो कागज़ के छोटे वो पीसीस करके मतलब आधे जो भी है वो करके वो भी साथ में रख सकते हो, कागज़ रखा खाना रख दिया, बस ऐसे ज़मीन पे मत देखो यार, ठीक है उनको थोड़ा
इंसान बनाया ना ना आपको, आप ही तो समझ सकते हो कि हाँ भाई उसको थोड़ा साथ दो। जानवर आप भी तो जानवरों तरह बिहेव कर रहे हो ना वैसे जमीन में डाल के। फिर खाना खिलाना है भाई, इंसान को भी तो खाना खिलाते हो, लंगर लगते हैं, सब कुछ लगते हैं, इनके लिए भी है ना, इनके लिए हम हैं और भी बहुत अच्छे लोग हैं जो खिलाते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं तभी सब ये चल रहा है बॉस, तभी दुनिया चल रही है। ड्रीम इन बच्चों को लेके यार, तो मुझे लगता है कि मेरे सामने ना बहुत खुली जगह है यार, ये जगह कहीं ऐसे मिल जाए कहीं से, पर इतना आसान नहीं ना, मिल जाए तो उसको आप एक थोड़ा शेल्टर टाइप का बना दो कि चलो जिसको ज़रूरत है, कैट को या डॉग को जो इंजर्ड है या छोटे बच्चे लोग छोड़ जाते हैं इधर उधर, अब के एक थोड़ा टाइम या कुछ उनको सेफ जगह में रखा जा सके, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम है आदमी बचाए बचा कितना डर में कितना रख सकते हो आप, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहिए आपको। शहर है, हर चीज़ एक्सपेंसिव है, आपको ऐसे तो कोई जगह देता नहीं है, तो ये तो इतनी बड़ी ड्रीम के पीछे क्या लड़ना किसी को, जितना आप कर पाते हो उतना ही कर लो, वो भी मैं कहती हूँ बहुत ही बड़ी बात है। मैं पता है एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, ठीक है आपको कैट घर में रखनी है आप रखो, बहुत अच्छी बात है, पर ना अपने शौक के लिए मत रखो। कैट ले आए, ओ कैट ओ जैसे करने के लिए होते हैं खिलौना ले आए हो आप, लेकिन वो भी उनको पता है उनको पूरा काम चाहिए और वो पॉटी करते हैं, उनकी पॉटी भी साफ करनी पड़ती है, तो ऐसा मत करो यार, लाना है तो फिर अपने घर में फैमिली की तरह लाओ, नहीं तो मत लाओ ना, क्या मतलब किस लिए ला रहे हो आप, किसको दिखाने के लिए, पड़ोसियों को या फ्रेंड्स को या किसी बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को, आई हैव कैट आई हैव कैट, ये जो होता है ना ये है। अभी हम दोनों को कहीं जाना होता है ना, अगर जैसे किसी की शादी है फैमिली में होती है, सभी की होती है, तो यू कैन नॉट बिलीव हम दोनों में से, मतलब मैं और हस्बैंड में से कोई एक जाता है तो उनको लगता है यार दोनों नहीं आते, जैसे यू नो समाज कैसा होता है, अरे दोनों आना चाहिए, दोनों नहीं यार एक ही आ सकता हमने से, जो चाहिए बोलो वो आएगी तो मैं नहीं आऊँगा, मैं आऊँगी लोग, क्योंकि हमें लगता है कि पीछे से इनके साथ में हम आए, गुस्सा भी आता है, पिटते हैं डांटते भी हैं इनको, ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे हैं, जब बच्चे भी पिटते हैं ना तो ये बहुत डांट पड़ती है इनको भी, आप झाड़ू पहुंचा कुछ भी कर रहे हो करने नहीं देंगे, बिल्कुल डांट मारेंगे, उधर चले जाओ, उसके बाद ठीक है डांट मारी मारी कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंड द चार बार डांट मार के आपको ही लगेगा आपको ना खुद हंसी आ जाएगी, मतलब आप किसी और ही दुनिया में हो बॉस, ये तो है किसी और ही दुनिया में हो, एंड आई लव दैट, मुझे सच्ची में कुछ अच्छे काम किए होंगे जो जो मतलब ये रियलाइज हुआ कि ये मतलब ये हैं कुछ और आपकी लाइफ को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कहाँ बैठे हो, कहाँ क्या है, कौन क्या देख रहा है, लेकिन मतलब यू फील ग्रेट बॉस, मतलब मैं बता नहीं सकती, यूँ ही गोद में उठा लेते हैं, पहले हम भी डरते ही थे, लेकिन अभी ठीक है पंजे मारेगा कोई बात नहीं, दांत लग जाएगा कोई बात नहीं, चलेगा सब चलेगा, बहुत सही है, बहुत बहुत सही लाइफ है यार, आप करके देखो तब मज़ा आएगा आपको, ऐसे तो कहने से नहीं, So guys, if you really liked our video, please subscribe to our channel Talkie Tales and don't forget to press the bell icon so that whenever we upload a new video, you will come to know.